इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी महा एग्जिट पोल 62 फिर 88 और अब 100 यानी कुल मिलाकर एवरेज 122 का 122 हो जाता है। बीएसपी जो है तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आ रही है, 54 यहां पर सीटें और अदर्स के। आपने चुनाव के बाद टीवी न्यूज चैनल्स में आपने बहुत ही बार सुना होगा कि एग्जिट पोल में ये पार्टी इतने वोटों से आगे बढ़ रही है और दूसरी पार्टी इतने वोटों से पीछे हट रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल एक्चुअल में क्या होता है और एग्जिट पोल कैसे निकाला जाता है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल का डेफिनेशन क्या है। सरल शब्दों में अगर किसी को समझना हो कि एग्जिट पोल क्या होता है, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। एग्जिट पोल जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है किसी भी न्यूज चैनल्स या फिर न्यूज मीडिया के कोलैबोरेशन के साथ में। न्यूज चैनल्स के जितने भी एंकर्स या फिर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो सारे पोलिंग बूथ पर जाकर जैसे ही वो वोटर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, उनसे कुछ पैटर्न्स वाइज सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, किस आधार पर वोट दिया। ये सब नोट करने के बाद में ये एग्जिट पोल डिसाइड किया जाता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है बाहर। जैसे ही वोटर पोलिंग बूथ से बाहर आता है, वैसे ही रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, उसके आधार पर ये लोग इनको नोट करते हैं और एग्जिट पोल का जो भी रिजल्ट है वो डिसाइड किया जाता है। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सूर्य नगरी एक पोलिंग बूथ का नाम है, उसमें दो पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, पहली एबीसी पार्टी और दूसरी एक्सवाईजेड पार्टी। इस पोलिंग बूथ पर टोटल वोटर्स की संख्या 100,000 है, लेकिन सैंपल साइज 1,000 लोगों से इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाया। अगर 1,000 में से मान लीजिए 501 लोगों ने अगर ये कहा कि हमें एबीसी पार्टी में वोट दिया या फिर एबीसी पार्टी को इस कारण वोट दिया है, तो ये एग्जिट पोल इन्हें विजेता बताएगी। और एक्स वाई जेड को अगर 499 लोगों ने सपोर्ट किया है या फिर हम उन्होंने वोट दिया है, तो उन्हें वो हारा हुआ दिखाएगी। बेसिकली सिंपल मीनिंग में ये है कि एग्जिट पोल में पोलिंग बूथ से जैसे ही लोग बाहर आते हैं, उनसे कुछ सर्वेस के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, और आने के पहले ही लोगों को ये बताया जाता है कि लोगों ने किसे वोट दिया है। आप बोलेंगे कि क्या ये सर्वे हमेशा सही होता है? जनरली हमेशा ये सर्वे सही नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक ये सर्वे सही होता है। कब कब सही नहीं होता है? अगर सैंपल साइज सही नहीं लिया गया हो, मान लीजिए वोटरों की संख्या 2,00,000-3,00,000 बहुत ही ज़्यादा है और सैंपल साइज सिर्फ 100-200 लोगों को पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आने वाला है, वो रॉन्ग हो। और इन्होंने अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल अलग अलग ली है, से ही पूछा है एग्जिट पोल के सवाल, या फिर उन्होंने सिर्फ फीमेल से ही पूछा है, या फिर सेम एज वाले को ही ये सवाल पूछा है, तो हो सकता है कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो गलत है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि एग्जिट पोल हम क्यों निकालते हैं? कुछ चंद घंटों में ही एग्जिट पोल अगर नहीं भी आए, तो कुछ चंद घंटों में ही इस चुनाव का रिजल्ट तो आने ही वाला है, तो हम एग्जिट पोल क्यों निकालते हैं? आप सभी को पता है कि इसके दो रीजंस हैं। अगर हम इंडिया की बात करें या फिर ह्यूमन नेचर की बात करें, तो सभी को जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी जानने की इच्छा होती है। तो इसीलिए टीवी न्यूज एंकर्स या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये एक तरीका निकाला, और टीआरपी गेन करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोगों को रिजल्ट आने से पहले ही ये हम बताएं कि ये रिजल्ट आ सकता है और ये पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है। बेसिकली यही सिंपल तरीका है कि एग्जिट पोल किसे कहते हैं और ये कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।